देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। खरगोन। बीती रात शहर के सनावद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत का मामला सामने आया। आक्रोशित परिजनों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। मामला बढ़ने पर पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में पदस्थ चिकित्सक ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करने के बाद निजी अस्पताल भेज दिया और यहां खुद ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। परिजन चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामले में जैतापुर चौकी पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। परसों शाम को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया था, मैं मम्मी को भर्ती किया था। यहाँ गौरव पाटीदार ने इलाज चालू किया था, अपेंडिक्स थी केवल, उनको अपेंडिक्स बोल के भर्ती किया था उन्होंने। सुबह 12 बजे जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो वहाँ से वापस ले आए उनको, बोले कि यहाँ अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर सुविधा नहीं है, यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, उनकी अपेंडिक्स में डैमेज है, ऐसा बोल के श्री साई समर्थ हॉस्पिटल में उनको भेज दिया। वहाँ पर ऑपरेशन किया उनका और 2 घंटे के बाद ही उनकी डेथ हो गई। और वहाँ पर ऑपरेशन भी गौरव पाटीदार ने ही किया है, साई समर्थ में किया है। हम तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फैसिलिटी सरकारी हॉस्पिटल में कौन सी नहीं थी, और रेफर करना था तो यहाँ से गाड़ी करके वहाँ रेफर करना था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल साई समर्थ में क्यों रेफर किया उनको, और उसके बाद भी ऑपरेशन नहीं हुआ। लापरवाही का आरोप है क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत आधे घंटे के बाद में दर्द शरीर में दर्द होने लग गया और 1 घंटे के बाद उनकी डेथ हो गई। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि गौरव पाटीदार, वहाँ से एक केस नहीं, 4 केस पहले भी हो चुके हैं, इनको निलंबित किया जाए हॉस्पिटल से। पहले अभी 15 दिन पहले भी हमारे गांव के पास भी एक महिला जो यहां पर भर्ती थी, उनको डिलीवरी पे साई समर्थ में इनको रेफर किया और वहां पर उनकी डेथ हो गई, इससे पहले भी हुआ है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ भी देखते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष पाटीदार। सूचना मिली थी कि एक महिला की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, तो साई समर्थ अस्पताल में अब मौके पहुंचे और महिला का परिजन के कहे अनुसार पोस्टमार्टम कराया। क्या नाम था आप? उप निरीक्षक भोजराज वर्मा।